हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम वैज्ञानिक नामकरण के नियम यानी कि रूल्स ऑफ साइंटिफिक नॉमनक्लेचर और वर्गीकी संवर्ग या तथा उनका पदानुक्रम यानी कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और उनकी हायरार्की के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। जीवों के नामकरण के लिए मुख्यतः दो कोड यूज होते हैं, जिसका नाम होता है ICZN और ICBN या ICN। ICZN का मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर, में जो एनिमल्स होते हैं यानी कि प्राणी होते हैं, जंतु होते हैं, उनके नामकरण के नियम दिए जाते हैं। जबकि ICBN यानी कि अब ICN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमनक्लेचर, और इसको अब बोलते हैं ICN का मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमनक्लेचर ऑफ नॉमनक्लेचर फॉर एल्गी फंजाई एंड प्लांटे, यानी कि पादप शैवाल और कवकों के नामकरण का अंतर्राष्ट्रीय कोड। तो उसके अनुसार जीवों के नामकरण के लिए, साइंटिफिक नेमिंग के लिए कुछ नियम दिए जाते हैं, और इन्हीं नियमों का प्रयोग करके किसी भी जीव का वर्गीकरण किया जाता है। और ये नियम संपूर्ण विश्व में समान होते हैं और सभी जगह पर ये नियमों का पालन किया जाता है, और इसी नियमों के पालन के अनुसार किसी भी जीव का नामकरण दिया जाता है। किसी भी जीव के नामकरण के दौरान कुछ प्रमुख नियम निम्न है कि सबसे पहला नियम क्या है कि प्रत्येक जीव का जो नाम होता है, नाम द्विपद पद्धति, यानी कि द्विपद सिस्टम यानी कि पद्धति से दिया जाता है, जिसे बाइनोमियल नॉमनक्लेचर या द्वि नाम पद्धति भी कहते हैं। तो द्विपद नामकरण का जो सिस्टम है वो क्या कहता है कि द्वि माने दो पद, तो द्वि नाम पद्धति जो है यानी कि बाइनोमियल सिस्टम को सबसे पहले गैस्पार्ड बूहिन ने अपनी बुक पिनाक्स में दिया था। गैस्पार्ड बूहिन ने अपनी पुस्तक पिनाक्स में दिया था, लेकिन इसका भली भांति प्रयोग कैरोलस लीनियस ने किया था। कैरोलस लीनियस ने, इसीलिए इसकी खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? कैरोलस लीनियस को। तो पहला नियम है कि प्रत्येक जीव का जो नाम है वो द्विपद नामकरण यानी कि द्वि नाम पद्धति यानी कि बाइनोमियल नॉमनक्लेचर के हिसाब से दिया जाता है, और इसके अनुसार प्रत्येक जीव का जो नाम होता है उसमें दो घटक होते हैं। पहला जो घटक होता है वो उसके वंश को प्रदर्शित करता है। उसका पहला नाम जो होता है वो होता है वंश नाम, जो उसके वंश को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा नाम होता है जो उसके जाति को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जाति वंश, जाति नाम। वंश का मतलब है जेनेरिक नेम, और इसको बोलते हैं स्पेसिफिक नेम या स्पीशीज नेम, स्पीशीज नेम। इसको स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। इसको स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। जो जेनेरिक नेम होता है वो वंश का नाम होता है, और स्पेसिफिक एपिथेट उसकी स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेंजीफोरा इंडिका, मेंजीफोरा
इंडिका। मैंजीफोरा इंडिका में जो जेनरिक मैंजीफेरा नाम है ये इसका जेनरिक नेम है और इंडिका इसका स्पेसिफिक एपिथेट है यानी कि स्पीशीज नेम है, जाति का नाम है। इसी प्रकार से पाइसम सटाइवम, ये इसका जेनरिक नेम है यानी कि वंश का नाम है, और सटाइवम जो है वो क्या है, जाति का नाम है, स्पीशीज नेम है, जाति नाम, और ये वंश का नाम। इसी प्रकार से एनिमल में अगर देखें हम तो नाजा, नाजा ये कोबरा का नाम है, ये इसका जेनरिक नेम और ये इसका स्पेसिफिक नेम नाजा। इसके बाद किसी और का भी नाम, जैसे हमारा ही नाम देखें, होमो सेपियंस, सेपियंस होमो जो नाम है वो हमारा जीनस का नेम है यानी कि वंश का नाम है, और ये हमारा जाति का नाम है। तो पहला नियम क्या कहता है कि जो प्रत्येक जीव का नाम है उसका जो नामकरण है वो द्विपद नामकरण होता है यानी कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है, बाइनोमियल सिस्टम होता है, द्वि नाम सिस्टम होता है, तंत्र प्रणाली होती है, और इसमें उसके दो, हर जीव के नाम के दो घटक होंगे जो पूरे विश्व में समान होते हैं, और एक जीव का जो वैज्ञानिक नाम होता है इस द्विपद जो नॉमेनक्लेचर के हिसाब से वो केवल एक ही जीव का हो सकता है, वही नाम किसी और जीव का कभी नहीं हो सकता। इसकी जो स्पीशीज होती है उसका जो नाम होता है वो तो किसी और के नाम में भी जुड़ सकता है, जैसे मैंगीफेरा इंडिका, रोजा इंडिका, लेकिन जो ये जीनस का नाम है इसके कारण किसी भी दो जीव का जीनस का नाम कभी समान नहीं हो सकता, इसीलिए कभी किसी दो जीव के एक से नाम, दो जीवों के एक से नाम कभी नहीं हो सकते, चाहे उसके नाम में एक का अंतर हो लेकिन जीनस का नाम कभी भी सेम नहीं हो सकता। स्पीशीज का नाम समान हो सकता है लेकिन कभी भी जीनस का नाम समान नहीं हो सकता। तो जीवों के नाम में दो नामों के, वंश नाम और जाति नाम, वंश नाम जो होता है वो अलग होता है हमेशा, और स्पेसिफिक नाम जो होता है वो सेम हो सकता है। मैंगीफेरा यानी कि जो जीनस का नाम होता है वो नॉर्मली एक ही होता है, और स्पीशीज का नाम अक्सर एडजेक्टिव होता है और वो कभी कभी दो भी हो सकते हैं यानी कि एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः एक ही होते हैं। जैसे यहाँ पर होमो सेपियंस सेपियंस दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर एक से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन नॉर्मली एक ही होता है। दूसरा नाम जो, दूसरा जो इसका नियम है कि पादप नामकरण में, दूसरा क्या कह रहा है कि पादप नामकरण में टोटो टोटोनिम्स, जो टोटोनिम्स होते हैं वो जो पादप नामकरण में टोटोनिम्स जो होते हैं वो मान्य नहीं होते हैं, मान्य नहीं है। टोटोनिम्स का मतलब क्या है कि जीनस यानी कि वंश नाम और तथा जाति नाम समान, इसको हम बोलते हैं टोटोनिम्स। तो टोटोनिम्स जो होते हैं वो ICZN में मान्य होते हैं और ICN यानी कि ICBN में मान्य नहीं है। मतलब कि ICZN का मतलब जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर का मतलब पादपों में, इसमें प्राणियों में मान्य है और पादपों में मान्य नहीं है। मतलब कि पादपों में कभी भी जीनस का नेम यानी कि वंश का नाम और जाति का नाम यानी कि स्पेसिफिक नाम एक से नहीं हो सकते। इसका मतलब अगर हम ये कहें
कि मैंजिफेरा मैंजिफेरा तो ये गलत होता है। लेकिन यही नियम जूलॉजी में मान्य है, प्लांट्स के लिए मान्य नहीं है, एनिमल्स के लिए मान्य है। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, रेटस रेटस, रेट के लिए जो नाम है रेट का वो है रेटस रेटस, चूहे के लिए नाजा नाजा, कोबरा के लिए, और बहुत सारे नाम हैं जैसे वुल्पीज वुल्पीज, रेड फॉक्स के लिए। तो जो टोटोनिम्स है यानी कि दोनों के सेम नाम, वंश का नाम और जाति का नाम समान, वो जूलॉजी में तो मान्य है, प्लांट्स के लिए मान्य नहीं है, एनिमल्स के लिए मान्य है। तीसरा जो इसका नाम है, जो तीसरा इसका नियम है वो क्या है कि जो द्विनाम पद्धति, जो किसी भी जीव का जो नाम होता है, तो तीसरा क्या कहता है कि वंश का नाम तथा जाति का नाम कभी समान नहीं हो सकते। तो जो प्लांट्स हैं उनमें कभी भी वंश का नाम और जाति का नाम समान नहीं हो सकता, लेकिन एनिमल्स में समान हो सकता है। दूसरा कि किसी भी दो जीवों के वंश के नाम कभी भी समान नहीं हो सकते। दो जीवों के स्पीशीज नाम यानी कि जाति के नाम तो समान हो सकते हैं, जैसे मैंगीफेरा इंडिका, रोजा इंडिका और बहुत सारे एग्जांपल हैं, लेकिन कभी भी दो जीवों के जेनरिक नेम यानी कि वंश के नाम समान नहीं हो सकते। चौथा कि जो वंश का नाम होता है वो कैपिटल लेटर से यानी कि बड़े अक्षर से स्टार्ट होता है, जबकि स्पीशीज का नाम सामान्यतः छोटे अक्षर से स्टार्ट होता है यानी कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता अक्सर, बहुधा यानी कि ज़्यादातर, लेकिन ये बड़े अक्षर से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर किसी जीव का नाम किसी वैज्ञानिक के, साइंटिस्ट के या किसी पर्सन के नाम पर आधारित होता है तब स्पीशीज का नाम भी कैपिटल लेटर से लिखा जा सकता है, जैसे इजोएट्स पेंटाई। पेंट एक टेरिडोलॉजिस्ट थे यानी कि जो टेरिडोफाइटा का अध्ययन करते हैं उन्हें टेरिडोलॉजिस्ट बोलते हैं, उनके नाम पर इसका नाम है टेरिडोफाइट का, इजोएट्स पेंटाई। तो ये पीक पेंट जो स्पीशीज का नाम है यानी कि जो जाति का नाम है वो जाति का नाम यहां पर कैपिटल लेटर से लिखा गया है यानी कि बड़े अक्षर से है। तो इस नियम के अनुसार जो जाति का जो नाम है वो अक्सर छोटे अक्षर से लिखा जाता है, स्टार्ट होता है, जबकि वंश का नाम, जीनस का नाम हमेशा बड़े लेटर से लिखा था। लेकिन अगर स्पीशीज का नाम किसी पर्सन के नाम पर आधारित है, किसी वैज्ञानिक के नाम पर आधारित है, तब उसको कैपिटल से स्टार्ट करते हैं ना कि स्मॉल से, लेकिन अक्सर स्मॉल से ही स्टार्ट करते हैं। इसके बाद अब जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो वैज्ञानिक नाम का उद्भव होता है वो लैटिन भाषा से होता है और कभी कभी ग्रीक भाषा से होता है, ज्यादातर क्या होता है लैटिन भाषा से होता है या कभी कभी रेयरली ग्रीक भाषा से होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये मृत भाषाएं हैं और मृत भाषा से है तो क्यों है, क्योंकि अब इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। क्योंकि अगर हमने कोई जो चलने वाली लैंग्वेज से नाम किसी का ड्राइव कर दिया, उससे नाम ले लिया, तो उस लैंग्वेज में जरूरत के हिसाब से परिवर्तन होते रहते हैं, और अगर उस वर्ड में परिवर्तन हो गया
जिस वर्ड से हमने वो नाम लिया गया था तो उसका अर्थ अब चेंज हो सकता है। इसीलिए ग्रीक भाषा लैटिन भाषा का यूज़ करते हैं और कभी कभी रियली ग्रीक भाषा का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन सामान्यतः लैटिन भाषा का यूज़ करते हैं क्योंकि ये मृत भाषा होती है और मृत भाषा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और कोई परिवर्तन ना होने से जो हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नाम लिया गया है या कोई भी वर्ड निकाला गया है वो हमेशा एज इट इज़ रहेगा। पहले भी ऐसी था, आज भी ऐसी, और आगे भी वो 100 साल के बाद भी या अनेक वर्षों के बाद भी वही वर्ड का मीनिंग सेम रहेगा। इसलिए सभी जो वर्ड्स होते हैं, जो नाम होते हैं, वो किससे लिए जाते हैं? लैटिन भाषा से लिए जाते हैं और कभी कभी ग्रीक भाषा से लिए जाते हैं। अब वैज्ञानिक नाम का जो उद्भव है वो किससे होता है? लैटिन भाषा से होता है। और वैज्ञानिक नामों को जब हम हाथ से लिखते हैं तो उसको हाथ से लिखते समय दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं, अर्थात जेनेरिक नेम यानी कि वंश का नाम और जो हमने स्पीशीज का नाम लिखा है दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं, जो उसके लैटिन ओरिजिन को प्रदर्शित करते हैं। और जब हम उसको प्रिंट करते हैं, अर्थात उसको प्रिंट कराते हैं यानी कि किसी भी बुक में लिखा जाता है, तो फिर उसको तिरछा करके लिखते हैं जिसको बोलते हैं इटलाइज्ड। तो इटलाइज्ड का मतलब क्या है? इटैलिक का मतलब क्या है? कि वो उसके लैटिन ओरिजिन को रिप्रेजेंट करती है, कि वो लैटिन से ओरिजिनेट हुआ है वर्ड। तो हाथ से लिखते समय अंडरलाइन करेंगे, रेखांकित करेंगे दोनों को अलग अलग, जीनस के नेम को अलग और उसके अलग, स्पीशीज के अलग, और वे इसके लैटिन ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब बुक में लिखते हैं, जब उसको प्रिंट कराया जाता है, तो प्रिंट करने के समय उसको इटलाइज किया जाता है जिससे वो उसके लैटिन ओरिजिन को दर्शाता है। इसके बाद जाति का जो नाम होता है, जैसे हमने लिखा मैंजीफेरा इंडिका, ये मैंगो का नाम है, आम का नाम है, तो इसके आगे शॉर्ट में उस साइंटिस्ट का नाम लिख देते हैं जिस साइंटिस्ट ने उसका नाम पहली बार यूज किया था, अर्थात जिसने उसका नाम दिया उस साइंटिस्ट को नाम को शॉर्ट में लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंजीफेरा इंडिका वर्ड लीनियस ने यूज किया था, तो ये उसके ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है कि ये जो नाम था पहली बार किसने लिया था? लीनियस ने दिया था। इसके बाद जो नए खोजे पादप हैं, जो नया पादप खोजा जाता है उसका जो पादप प्रदर्श है, यानी कि टाइप स्पेसिमेन, उसको हर्बेरियम शीट पर रखते हैं और हर्बेरियम शीट पर रखकर उसको अलमारियों में रख देते हैं। किसी जो प्रचलित प्रजाति प्रणाली होती है क्लासिफिकेशन की उसके हिसाब से इसको करके रख देते हैं। और जो हर्बेरियम शीट का जो साइज है वो स्टैंडर्ड होता है 11.5 × 16.5 इंचेस, या अगर वो सेंटीमीटर में पूछेगा तो 28.75 × 41.25 सेंटीमीटर, ये दोनों साइज है इंच में और सेंटीमीटर में अलग अलग दिए जाते हैं। तो ये प्रमुख नियम है जो जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर में और बॉटनिकल नॉमनक्लेचर में देते हैं। फटाफट देखते हैं कि ICBN ने और ICZN ने कुछ नियम दिए हैं पादपों के वर्गीकरण के लिए। पहला, कि जो किसी भी जीव का नाम होता है वो द्विपद नामकरण यानी कि बाइनोमियल नॉमनक्लेचर, द्वि नाम पद्धति के हिसाब से दिया जाता है। इसके अनुसार सबसे पहले उसको पिनाक्स ने अपनी बुक बिपिनाक्स बुक में गैस्पार्ड बुहिन ने दिया था, लेकिन उसका भली भांति यूज किया था कैरोलस लीनियस ने, इसलिए इसकी खोज का श्रेय कैरोलस लीनियस को दिया था। इसके अनुसार प्रत्येक जीव के नाम के दो घटक होते हैं, वंश का नाम और जाति का नाम। वंश का नाम जेनेरिक नेम और जाति का नाम यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट या स्पेसिफिक नेम। और जो वंश का नाम होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और जो स्पीशीज का जो नेम होता है वो स्मॉल लेटर से लिखा था अक्सर, लेकिन अगर वो किसी साइंटिस्ट के नाम पर आधारित है, किसी पर्सन के नाम पर आधारित है, तो उसको फिर स्पीशीज नाम को भी हम कैपिटल से लिखते हैं। पादप नामकरण में टोटोनिम्स जो होते हैं वो मान्य नहीं होते, अर्थात टोटोनिम्स का मतलब कि जूलॉजिक
वंश का नाम यानी कि जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम यानी कि जाति का नाम समान नहीं हो सकते, लेकिन यही नियम प्राणियों में यानी कि एनिमल्स में मान्य होता है। वहाँ पर टोटोनिम्स मान्य होते हैं, जैसे रेटस रेटस, नाजा नाजा, वुल्पीज वुल्पीज, तो वहाँ पर टोटोनिम्स मान्य होते हैं। वंश का नाम और जाति का नाम समान नहीं हो सकता, किस में? प्लांट्स में और एनिमल्स में हो सकता है। जंतु और प्लांट्स दोनों में जो वैज्ञानिक नाम दिए जाते हैं उसमें जो वैज्ञानिक नाम का जो ओरिजिन होता है वो लैटिन होता है, क्योंकि ये डेड भाषाएं होती है, मृत भाषाएं होती है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जो लैटिन ओरिजिन को दिखाने के लिए जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं, और अलग अलग अंडरलाइन करते हैं, और अगर उसको हम प्रिंट कराते हैं तो उसको फिर हम तिरछे लेटर्स में लिखते हैं, यानी कि इटैलिक लिखते हैं। जो साइंटिस्ट ने उसका नाम दिया था उसको आगे शॉर्ट में उसका नाम लिख देते हैं, जैसे मेंजीफेरा इंडिका लिन, या एल का मतलब क्या है कि लीनियस ने इसका पहली बार नाम यूज किया। इसके बाद जो नए खोजे पादप है वो उनका जो शीट होती है उसको एक कागज की शीट पर रखते हैं, जिसे हर्बेरियम शीट बोलते हैं, और हर्बेरियम शीट की एब्सेंस में, अगर किसी पादप की हर्बेरियम शीट नहीं है तो उसका जो वर्गीकरण है, उसका जो नामकरण है वो मान्य नहीं सकता, अर्थात उसके मान्य होने के लिए हर्बेरियम शीट का होना जरूरी है। और हर्बेरियम शीट का जो साइज होता है 11.5 × 16.5 inches या 28.75 × 41.25 centimeter होता है। इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है सवर्ग। संवर्ग जो पढ़ने हैं, तो जो वर्गीकरण होता है उसके अंदर अनेक छोटे छोटे वर्ग या कैटेगरी प्रेजेंट होती है, क्योंकि जो किसी भी जीव का जो वर्गीकरण है वो एक सिंगल स्टेप वाला प्रोसेस नहीं है, एक सिंगल चरण वाला प्रक्रिया नहीं है, तो इसलिए इनको बोलते हैं वर्ग की सर्वर्ग, वर्ग की संवर्ग, यानी कि जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज तो और तथा उनका पदानुक्रम, यानी कि जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड देयर हायरार्की, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब टैक्सोनॉमिक वर्ग और टैक्सोनॉमिक हायरार्की है क्या? किसी भी जीव का जो क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण होता है, वो एकल चरण में नहीं होता, अर्थात उसमें एक चरण नहीं होता, बल्कि उसमें अनेक चरण होते हैं, अनेक पद होते हैं, और प्रत्येक चरण को हम क्या बोलते हैं, कैटेगरी बोलते हैं। जैसे के पी कॉफ जी एस, याद रखने के लिए हमने के पी कॉफ जी एस लिखा हुआ है। तो के पी कॉफ जी एस का मतलब क्या है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन में ये 7 ऑब्लिगेटरी जरूरी कैटेगरीज होती हैं, यानी कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन है वो इन चरणों में होता है, और एक चरण या ये जो है ये क्या कहलाती है, कैटेगरी कहलाती है, यानी कि संवर्ग कहलाता है। और एक कैटेगरी का मतलब होता है टैक्सॉन, यानी कि किसी भी कैटेगरी को हम वर्ड क्या लगाते हैं, टैक्सॉन लगाते हैं। अडॉल्फ मायर ने टर्म दिया टैक्सॉन। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नाम होता है वो सिंगल चरण में नहीं होता, एक वर्गीकरण जो होता है एक सिंगल चरण में नहीं होता है, और उसके क्लासिफिकेशन में अनेक चरण होते हैं, अनेक पद होते हैं, और इन पद को हम क्या बोलते हैं, संवर्ग बोलते हैं, और इंग्लिश में कैटेगरी बोलते हैं, या रैंक भी बोल देते हैं, इनको रैंक भी बोल देते हैं। और प्रत्येक रैंक और प्रत्येक कैटेगरी वो क्या कहलाती है, टैक्सॉन। ये एक टैक्सॉन हो गई, ये एक टैक्सॉन हो गई, ये एक टैक्सॉन, सब एक अलग अलग टैक्सॉन होते हैं, और
तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो ये अलग अलग कैटेगरीज यूज हो रही हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या संवर्ग बोलते हैं। और प्रत्येक जो कैटेगरी होती है वर्गीकरण में वो क्या कहलाती है, टैक्सोन कहलाती है। और जो एडोल्फ मायर ने ये यूज किया था वर्ड, तो किसी भी जीव के वर्गीकरण के दौरान जो उच्चतम संवर्ग यानी कि उच्चतम संवर्ग कौन सा है, किंगडम। किंगडम को अभी हम हिंदी में देखेंगे जगत बोलते हैं, पहले हिंदी में लिख देते हैं फाइलम, और इसकी जगह यूज होता है डिवीजन। प्लांट्स में डिवीजन यूज होता है, एनिमल्स में फाइलम यूज होता है, इसको भाग बोलते हैं। तो फाइलम जो होता है वो तो संघ कहलाता है, और डिवीजन को हम बोलते हैं भाग। क्लास जो होती है वो कहलाती है वर्ग। क्लास का मतलब क्या है, वर्ग। ऑर्डर फैमिली जीनस, स्पीशीज का मतलब प्रजाति। कभी कभी खाली जाति भी लिख देते हैं। वंश, जीनस का मतलब अभी हमने पढ़ा वंश नाम, इसे वंश बोल देते हैं। फैमिली को बोलते हैं कुल, कहते ना किस कुल की है, तो कुल का मतलब क्या होता है, फैमिली होता है। और ऑर्डर का मतलब हो गया गण। तो ये है उच्चतम संवर्ग यानी कि हाईएस्ट कैटेगरी, और ये है निम्नतम संवर्ग यानी कि लोएस्ट कैटेगरी। तो इन हाईएस्ट यानी कि उच्चतम, जो किसी भी जीव के वर्गीकरण के दौरान उच्चतम यानी कि हाईएस्ट जो टैक्सा है या हाईएस्ट कैटेगरी है, उससे निम्नतम संवर्ग की ओर यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो संवर्गों का जो व्यवस्था है उसकी तरफ जो अरेंजमेंट है, हम उसको क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की यानी कि इसका पदानुक्रम। तो बच्चों आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।